एक सखी ने देखा, पड़ोसन ने, अरे तू चल के देख, कन्हैया रोज हमारी खावे था, तब हम कहते थे ये सौदा ना माने थी, आज तो घर का चोर घर में ही पकड़ा गया। भाव देखिएगा, इस गीत को हजार बार लोग गाते हैं, तो लेकिन इस पद्य की रचना ही ऐसी है कि जितनी बार सुनो उतनी बार नया लगता है। शब्दों की सुंदरता और भाव है। आज घर में चोरी पकड़ी है यशोदा ने, माखन खाते हुए कन्हैया को देख लिया है। कन्हैया को भी पता है कि मां ने मुझे देख लिया है, लेकिन फिर भी तर्क दे रहे हैं। आज घर में चोरी पकड़ी गई है, आज यशोदा ने देखा है कि नंदलाल ने मक्खन खाया है, और नंदलाल को भी पता है कि आज मेरी चोरी पकड़ी गई है। इसको ध्यान से सुनना, बड़ा सार है इस गीत का। मीठा मीठा मैया मोरी, मैंने ही माखन खाया, मैया मोरी था, वहां सुनना तब आनंद आएगा। रस्सी उठाए और बांधे, लपेट ले पूरी, जैसे गांठ मारने लगे रस्सी छोटी हो जा महाराज। विद्वानों ने तर्क कर दिया कि महाराज ये रस्सी छोटी कैसे हो रही है, इतनी बड़ी रस्सी 25 मीटर 30 मीटर ब्रज से लादते हैं और यहां तो 9 लाख गैया है, इनकी रस्सी ला करके बांध रही है और ये छोटी कैसी हो जा रही। यहां भाव दर्शाया गया है कि गैया की रस्सी भी कहती है कि मैं अगर प्रभु के चरणों में जाकर जलने के काम आ जाऊं तो स्वाभाविक है, लेकिन मैं प्रभु के बांधने के काम कैसे आ जाऊं। भारत की अगर निर्जीव वस्तु इतना भाव रखती है तो आपको कैसा रखना चाहिए। कुछ संतों ने कहा नहीं नहीं ऐसा नहीं है, यशोदा और कन्हैया का प्रेम जीवात्मा और परमात्मा का मिलन है, गांठ तो माया की जोर होती है, और जहां जीवात्मा और परमात्मा का मिलन होता हो महाराज वहां माया की कोई जरूरत नहीं हुआ करती, इसलिए गांठ छोटी हो जाती है। अंत में प्रभु ने देखा कि मैया की अगर बात नहीं रखी तो माँ और पुत्र के जो बीच का मर्यादा खत्म हो जाएगा, और मैं बिहारी जी बंध गए। अरे जिसकी दृष्टिपात से वसुदेव की शरीर की बंधी हुई जंजीरें टूट जाती है, उसे यशोदा डोरी में धागे में और रस्सी में बांध ले, ये तो प्रभु की माया है। भगवान को अपने भक्तों का उद्धार जो करना था, यशोदा अपने कार्य में व्रस्त हो गई हैं और कन्हैया जी धीरे धीरे उकल को खिसला रहे हैं, और खिसकाते हुए दोनों वृक्ष के बीच में ले जा करके फंसा देते हैं,
और दोनों वृक्ष टूट कर गिरते हैं और उसके अंदर से तेज पुंज स्वरूप में दो कोमल सुकुमार और कामदेव से भी सुंदर पुरुष बाहर निकलते हैं। धन्य धन्य प्रणाम करते हैं जमलाल जी का उद्धार। भगवान जितने भी कार्य करते हैं निर्वस्त्र स्नान कर संतों का सम्मान न करने से चीज। अरे तेरी लीला है या परम लीला तेरी थोड़ी कारण किए, गौ के कारण किए, ब्राह्मण के लिए किए,
भगवंत इस धरा पर माँ का प्रेम संत के आराधना साधना और भक्तों के भाव के लिए बार बार जन्म लेते हैं और हम अपने माँ बाप की सेवा नहीं करते, ये दुर्दैव पूर्ण स्थिति है। इसलिए भारतीय संस्कृति और सनातन की रीति का आपके जीवन में अनुकरण करना बहुत ही आवश्यक है, भागवत से यही सीख मिलती है। बाकी आपने सुना और बाद में छोड़ दिया, तेरा तुझको अर्पण, तो उसका कोई मतलब नहीं है। व्यक्ति से पूछा गया, भैया कैसा लगा? कथा, बोले जी टाइम पास हो गया, 2-3 घंटे बढ़िया से टाइम पास हो गया। क्यों? बोले घर जाते तो खटापट होता, इसलिए यहाँ टाइम पास हो गया। तो कथा टाइम पास का बात नहीं है, ये धर्म की चर्चा है और धर्म चर्चा का विषय नहीं, चर्या का विषय है, इसे जीवन चर्या बोलता है। कन्हैया जी, अब वृंदावन की तरफ जा रहे हैं खेलने के लिए और कंस ने अपने अनेक तरीके से अघासुर को भेजा, बकासुर को भेजा, सबको भेज रहा है, लेकिन प्रभु को मारने के लिए, जिसने जगत को पाला है, जिसके इशारे पे सृष्टि चलती है, उसके लिए आप ऐसे सोचो तो असंभव होता। कन्हैया जी जा रहे हैं वृंदावन की तरफ, अचानक गाय चरा कर घर आए हैं, वहां पर कंस ने बकासुर, बक का अर्थ बगले से होता है, बक धन असुर अस्त बकासुर, बक का अर्थ बगले जैसा होता है, बकासुर को भेजा है। बकासुर ने अपने बगला बड़ा तेज होता है, नीति श्लोक में श्लोक है कि काक चेष्टा भको ध्यान स्वान निंद्रा तथेव च अल्पहारी गृहस्थ त्यागी विद्यार्थी पंचलक्षण। बकासुर को भेजा है, बकासुर ने सोचा है कि एक एक करके मैं सबका ग्रास कर जाऊंगा, लेकिन बिहारी की कृपा, बिहारी जी ने जाकर के स्वयं लीला रचाई है, उसके मुख के भीतर घुसकर एक पैर के नीचे एक चोंच दूसरे से दूसरा पकड़ करके उसे मृत्यु के द्वार पहुंचाया। अस्त कन्हैया जी ने बकासुर को भी मोक्ष की गति दी है, अघासुर को भी मोक्ष की गति है। अब ब्रज में लोग गाय चराते हैं, कन्हैया जी माखन और श्री खाकर अपने दोस्तों के साथ क्रीड़ा कर रहे हैं। अचानक कुछ ग्वाल बालों ने कह दिया कि रे भैया, कालिंदी में गए हुए पानी पीने के बाद कुछ गैया फिर से मर गई, बड़े छोटे हैं हमारे गोबर, वो कहते हैं ना कि अभी दूध के दांत भी नहीं टूटे, बड़े छोटे हैं नंदलाल। लेकिन जैसे उन्होंने सोचा, जैसे सुना कि जमुना में कालिंदी में काली देह में जाकर के पानी पीने से कुछ गैया की मौत हो गई, उन्होंने लीला रचाया, सारे मित्रों को लेकर के वो जमुना की ओर चल पड़े। गौ हत्या के प्रति इतना भाव था मेरे गोपाल का, इसलिए गोपाल कहलाए, इसलिए गोविंद। एक छोटा सा बच्चा कुछ नहीं कर सकता, लेकिन कम से कम भाग पड़ा उसने कि मेरी गौ माँ की जहाँ हत्या होती है उसे हम यहाँ रहने ही नहीं देंगे, और ये भारत भूमि है, गौ हत्या वालों को सारा माल सप्लाई, नहीं तो सिर्फ पैसे चाहिए, पैसे मिल जाए तो और पता नहीं क्या क्या बेच देंगे भारत के नेता। कन्हैया जी के क्रीड़ा खेल रहे, श्री दामा ने गेंद फेंकी, दूसरे ने, कन्हैया जी ने जान बूझ करके काली दामे महाराज छलांग लगा दी है। कन्हैया ने छलांग लगाया है, नाग सो रहा है और नागिन जाग रही है। नागिन ने कहा कि ललन तोरी गो रानी की धुराने बाट रे, अरे लल्ला तुम यहाँ कैसे आ गए, तुम्हारी गैया खो गई है या रास्ता भूलकर यहाँ आ गए हो, जाओ जाओ चले जाओ, नहीं अगर नाग जग जाएगा तो तुम्हें डंस करेगा और तुम मर जाओ। लेकिन कन्हैया जी तो गए ही थे उस काम के लिए, बोले अच्छा। कन्हैया जी ने उसके पूंछ पर कूदना चालू कर दिया, और सांप के पूंछ पर कूदो तो उसको क्रोध ज्यादा आता है,
धीरे धीरे उसका विष इतना निकला कि पूरा पानी जो है काला होने लगा, फुफकार मारने लगा। भगवान ने उसके नाच लिया, और जब नाच लिया तो यहां नागिन ने स्वामी शब्द का इस्तेमाल दो बार किया। पहली बार जब कन्हैया जी आए थे तो उन्होंने कहा था लाला चले जाओ नहीं तो मेरे स्वामी जाग जाएंगे, और कन्हैया ने कहा कि मैंने इसे पकड़ लिया है अब बताओ, तो कहने लगी कि अगर मेरे स्वामी की डोर जगत के स्वामी के हाथ में आ गई तो मुझे अब चिंता की क्या बात है। और इधर गोकुल में सूचना मिलती है, सब लोग रोते आते हैं। नाग देवता ने कहा महाराज यहाँ से चला जाऊं कलयुग में, अब तो मुझे नाग को आपने कभी पानी में नहीं रहते नहीं देखा होगा, आज भी देख लीजिए आप, अगर असली कोबरा या नाग है तो पानी के अंदर फन नहीं डुबा सकता। कहेगा महाराज अब तो आपने यहाँ से नहीं जल से ही दूर रहने की बात कह दी तो कलयुग में लोग तो मुझे मार डालेंगे। बोले अच्छा तुझे याद है आज कौन सा दिन है? बोले पंचमी। बोले जा तेरे सिर पे मेरी पादुकाओं का निशान देखकर कलयुग में आज के दिन तुझे पूजेंगे और दूध पिलाएंगे, मेरे प्रभु की तो विषधर को भी पूजवाने की ताकत है तुम्हारे। सारे लोग रुदन कर रहे हैं, अगर आप सांप को देखेंगे तो उसके ऊपर प्रभु के पादुका का निशान आज भी मिलता है। उसे छुड़वा दिया और सारे लोग आ रहे हैं, और यहाँ भावगीत करते हुए कन्हैया जी बंसी बजाते हुए ऊपर आए। जयति जयति यदुनंदना जयति जयति मधुसूदना स्तुति की बोलवाके बिहारी लाल की। अब यहाँ पर एक यज्ञ की व्यवस्था होती है ब्रज में। कन्हैया जी ने कहा भाई ये सब काम हम नहीं होने देंगे, ना तो मथुरा में कर जाएगा ना होगा इंद्र का यज्ञ। बोले अच्छा इंद्र क्रूठेंगे तो क्या बिगाड़ेंगे? घर वाले कहे बोले जी कोपी तो हो जाएंगे, नुकसान हो जाएगा। बोले हो जाने दो, मेहनत हम करें, गाय हम चराएं, माखन मथुरा जाए। कन्हैया जी को क्या कहा गया है? कर्म योगी। कन्हैया जी योगी भी है और योगेश्वर भी है, जैसे राम पुरुष है, पौरुष है और पुरुषोत्तम है। कन्हैया जी ने कर्म योग की बात बताई है कि अगर कर्म करोगे तो सब सार्थक होगा, कर्म नहीं करोगे तो कुछ भी नहीं। कन्हैया का नहीं, बोले बारिश हो जाएगी, नुकसान हो जाएगा। बोले जो हो हम देख लेंगे, बालक के हट में तो दुनिया मान जाए। महाराज आपका बालक कहे नहीं जी अब इस स्कॉर्पियो नहीं लेनी तो नहीं है लेंगे। बोले वो हमेशा की बात करे तो नहीं लेंगे। अब यहाँ पर देखिए और दुनिया में सबसे ज्यादा डरने वाले देवता इंद्र ही है, कोई साधा करे तो क्या होगा, साधना करे तो भी ये होगा कि महाराज ऐसा है कि कहीं इंद्रासन न चला जाए। कन्हैया जी ने इंद्र को मना किया है, और यह एक प्रमाण है आज के दिन भागवत कथा में जब गोवर्धन की पूजा होती है तो 56 भोग लगते हैं। इसके दो दृष्टांत बताए, बाकी कथा में तो सब आगे पीछे सुनाते ही रहेंगे और सुनते रहोगे। ये कहा गया है, प्रमाण मिला है भागवत में कि कन्हैया जी ने जब गोवर्धन को उठाने की प्रक्रिया की थी तो 7 दिन का व्रत कर लिया था, और कन्हैया जी 8 बार दिन में भोजन करते थे, अष्ट प्रहर भोजन करते थे। ब्रज के अंदर यशोदा मैया ने कहा मेरा लल्ला 8 दिन का हो गया है, इसलिए 8 x 56 प्रकार के व्यंजन का मैं भोग लगाऊंगा। दूसरा प्रमाण ये मिला है कि ब्रज की बालाओं ने कन्हैया को पाने के लिए 27 दिन का व्रत कर लिया था, उसी दिन उनके व्रत का उद्यापन था, इसलिए 56 भोग लगता है। कन्हैया जी ने मना कर दिया कि अब यज्ञ नहीं होगा। यज्ञ है का? यज्ञ यज धातु से निर्मित है, यज्ञ के लिए प्राण की वेदी, हृदय की संविधा, ज्ञान की अग्नि जलाकर मनोविकृतियों की आहुति देते हैं तब यज्ञ पूरा होता है। घी और सामग्री जलाने से यज्ञ नहीं पूरा होता।
एक कुदृष्टि का शिकार हो रही है कन्या समाज में, आपने उसका विवाह कराया तो यह किसे बढ़कर है? किसी का पार्थिव पड़ा है, अंत्येष्टि संस्कार की व्यवस्था नहीं है, आपने कराया तो यह किसे बढ़कर है? गाय को चारा डाला, मृत गैया को आपने समाधि लगाई तो वह बढ़कर के है? कहने का मतलब, निष्काम भाव से किया हुआ परमार्थ का कोई भी कार्य यज्ञ से कम नहीं है। बाकी बाबा गोस्वामी ने तो कहा है कि परहित सरिस धर्म नहीं भाई, परहित सरिस धर्म नहीं भाई, अपर पीड़ा सम नहीं अधर। दुश्मन क्या करता है, जहां से आपको अर्निंग होगी उसी का विनाश करेगा। गोकुल में ब्रज में सबसे ज्यादा यदुवंशी रहते हैं और यदुवासियों के अर्जन का मूल आधार गाय है। अंग के द्वारा जब कोपित होकर वर्षा हो रही है तो उन्होंने क्या किया, गोधन वर्धन अस्तु गोवर्धन, जिस पर्वत पर चढ़ करके घास खाके गायों का वर्धन होता था वही है गोवर्धन। सारे लोग वहां पर पहुंच गए हैं और त्राहि त्राहि हो गई, जोर की बारिश हो गई, इंद्र देवता कुपित तो हो गए। गोवर्धन, अब गोवर्धन की परंपरा आज भी आप देखेंगे कि हर घर में, अब तो भाई जमाना बदल गया है, लोगों को गाय के गोबर से एनर्जी होती है, क्यों बोल रहे सर? हाथी पाल लो 10 करोड़ का, लेकिन पूजा में गाय का गोबर ही लगेगा गौरी गणेश के। अब तो परंपरा बदल गई है, ज्यादातर लोगों को आर्थराइटिस डायबिटीज पता है क्यों होता है? क्योंकि हमारी पृथ्वी से एक मैग्नेटिक एनर्जी जनरेट होती है। अब घरों में मैग्नेटिक एनर्जी है कहां, मार्बल टाइल्स उसमें बैठे हैं तो मैग्नेटिक एनर्जी मिलती ही नहीं है। मैं आपके यहाँ देख रहा हूँ 70-75 लोगों को ट्रीट किया है, ज्यादातर विटामिन डी की कमी, आयरन की कमी, व्हाइट डिस्चार्ज, लिक्विड, एक तो यहाँ के पानी का TDS ही बहुत बड़ा हुआ है। तो हमें प्रकृति से जुड़ने की जरूरत है। भगवान ने प्रकृति से जुड़ने की बात है, कल मैं बताऊंगा, ब्रज की हर लताओं को औषधि बताया गया है। अभी कुछ साल पहले की बात है, आपने अगर नहीं देखा होगा, अब हमारे भारत में जो मीडिया वाले वो सनातन विरोधी हैं ही, एक न्यूज चैनल ने निधि वन में जाकर के पूरा रिसर्च किया था। वो लोग कहते हैं कि भाई निधि वन में आज भी भगवान का रास होता है, लेकिन ऐसा होता भी है क्या? बाकायदे 40-40 कैमरे लगा कर गए उन्होंने, सब किया, बंदरों को जाते हुए भी देखा, पक्षियों को उड़ते हुए भी देखा, मंदिर में ताला लगवा कर देखा, और सुबह जब जा करके गिरे तो आसन पे सब कुछ ऐसा व्यवस्था देखा कि जो आसन बिछाया तो बिखर गया, जो पान का बीड़ा था खाया हुआ दिखा, यानी कल जो बिहारी थे वो आज भी यहाँ है, आज भी निधि वन में रास लीला नचाते हैं। तुम्हारी नजरों का भ्रम है बोल को, यहाँ कथा में ऐसा मत समझो, यहाँ स्वयं बिहारी भी आता है। किसी विद्वान से पूछोगे कि श्रोता कौन और वक्ता कौन, तो कह देगा भाई ब्रजमोहन जी श्रोता है और महामंडलेश्वर ब्रह्मांडपुरी वक्ता नहीं, वही श्रोता है और वही वक्ता है, वही यहाँ बैठ करके कथा कर रहा है और वही यहाँ बैठ करके कथा सुन रहा है। बिहारी ही हर हृदय में विहार करता है। इंद्र का क्रोध हो गया है, त्राहिमाम 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 करते हुए सब लोग आगे। कन्हैया जी ने अपनी कर्णिमा पर देखते देखते गोवर्धन को उठा लिया। कन्हैया जी ने गोवर्धन को उठाया, उनके साथ के ग्वाल बालों ने भी थोड़ी 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 लकड़ी लगा दी है, दूर बैठी राधा रानी ने भी अपने नेत्रों से दृष्टिपात कर दिया है, महाराज गोवर्धन को उठा लिया, गोवर्धन उठा लिया। अस्तु ये है कि अगर आप सुंदर, आपकी 5 उंगलियां है ना, इनके अलग अलग कार्य है। अगर आप कभी कर्णिका और अंगुष्ठा को इस मुद्रा में करोगे तो पार्थिव शिवलिंग की जो पारे की बनी है या पार्थिव का रुद्राभिषेक किसी से किया जाता है, लेकिन सोना मत पहनना, सोने को पारा खा जाता है और सोना पारा से ही बनता है। ये उंगली अगर है तो अहंकार का प्रतीक है, बुराई के लिए उठती है।
मध्यमा से कवि तिलक कनागतों में यानी श्राद्ध में किया जाता है, अनामिका से हमेशा पूजा में तिलक किया जाता है, अंगुष्ठा नागा सन्यासी जो ऐसे करके ओंकार उठाते हैं, और ये कर्णिका सबसे छोटी है। कहने का अभिप्राय है कि अगर तुम्हें सत्कर्म करना है, परमार्थ करना है, तो जब तक आपके हृदय में लघुता नहीं आएगी आपको प्रभुता नहीं मिलेगी। लघुता से ही प्रभुता मिलेगी आपको। ये कर्णिका सबसे छोटी है, ये अनामिका है, ये मध्यमा है, ये तर्जनी है, ये अंगुष्ठा है। थोड़ा मेरी बात समझ से बाहर हो रही होगी, लेकिन अभी जैसे आप लोग ग्रह पहनते हो अंगूठियां, तो कोई भी अंगूठी किसी भी उंगली में आपको नहीं पहनना चाहिए। कोई भी स्टोन आप किसी भी उंगली में नहीं पहन सकते, है ना? हर उंगलियों का एक अलग अलग व्यवस्था है। खैर, ये ज्योतिषियों का विषय, हम तेरे अंगूठा टेक बाबा अपनी कथा नहीं कर रहे। भगवान ने गोवर्धन को उठाया है, ग्वालों ने कहा गोवर्धन, कृष्ण ने अगर उठाया तो लकड़ी मैंने भी लगाई। राधा रानी ने कहा नहीं भैया, मेरे नेत्रों के दृष्टिपात से गोवर्धन उठा है। कुछ भक्तों की, और मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं समय ज्यादा ही ले गया हूँ, कुछ समय ज्यादा हो गया। मैं थोड़ा सा डर जाता हूँ भैया आपके बाहर कुछ समय, और मुझे खुद को समय का भान नहीं रहता है। गोवर्धन उठाया, अब गोवर्धन उठा तो लिया है कन्हैया ने, अब कन्हैया का लोग अभिषेक करने लगे। अब उनकी लीलाओं को समझ गए, अगर कोई अच्छा कार्य करे तो उसका सहयोग करो, उसका सम्मान करो, उसकी टांग मत खींचो। एक बार क्या हुआ, विदेश में एक एग्जीबिशन लगा है और इंडिया से कुछ केकड़े भेजे गए, खेकड़ा बोलते ना, गेंगटा खेकड़ा, उसके कई पैर वहां पर भेजा है। इंडिया वाले ने उसके ढक्कन जो है ना खुले छोड़ दिए, उसने देखा और चिल्ला भी आ रही चीटर, बोले भैया काहे के चीटर पीटर, बोले आपने इसके कैप खुले रखे, इसमें पीस कम होंगे, जितनी गिनती बोली उतने नहीं होंगे। बोले मूर्ख हो तुम भाई, विदेशी भाई, ये इंडिया के खेक रहे हैं, ये कभी बाहर जा ही नहीं सकते, क्योंकि एक ऊपर जाएगा दूसरा पकड़ के खींचेगा, तीसरा खींचेगा, चौथा खींचेगा। इसलिए सत्कर्म की राह पे आए हो तो सत्कर्म करो, अंडरस्टैंडिंग रखो हर चीज में। सत्कर्म में आए हो तो यहाँ पर करते रहे। चले चंद पल हरि चरणों का स्मरण करते हुए पुनः कथा को आगे बढ़े। बार बोले बांके बिहारी लाल रे यदुनंदन गोपाल। आज फिर से कन्हैया जी प्रसन्न हो गए और ब्रज की मालाएं फिर से यशोदा के पास आ गई है कि भाई कन्हैया जी की आदत नहीं छूट रही है, ये वही माखन खाना वही चोरी करना कर रहे हैं और बहुत ज्यादा कोसती हैं। कन्हैया जी ने कहा मेरे लल्ला को गाली मत देना, माँ की एक आदत है बच्चे की बुराई सुनती नहीं, कई बार तो ऐसा होता है जानती है लेकिन फिर भी छिपा लेती, जानते हुए भी माँ छिपा लेते ना। सारी सखियों ने कहा तेरे लल्ला